काली घाट से दर्शन करके निकल रहे, दर्शन हो गया। काली यही है, कलकत्ता काली एकावन पीठ का जो टुकड़ा हुआ था यही है। अगर आप कलकत्ता आते हैं ना, तो आपको काली घाट घूमना तो जरूर बनता है। सुबह के अभी 8:45 हो रहे हैं, इसलिए भी ये सब खुला हुआ नहीं है। शाम के वक्त सब खुला रहता है। फिर गंगा घाट, इधर गंगा नदी, और यहाँ पे आपका मिलेनियम पार्क है। पार्क है, आप हैंग आउट कर सकते हो, आप हुगली नदी को देख सकते हो। यहाँ से बहुत बड़ा प्यारा लगता है हुगली नदी। एक और जो ब्रिज अभी नया बना है इस तरफ, आप वो भी बड़ा प्यारा लगता है रात के समय। ये जगह का नाम है बीबा दिबाक, जहाँ अभी हम लोग उतरे हैं। कोलकाता की बस, यार बस में बैठते हैं, अभी बस से ही चलते हैं रूम। पहले सोचा था मेट्रो से जाने का, लेकिन अभी मेट्रो बाद में लेंगे, पहले बस पे चलते हैं। अभी हूँ बस के अंदर। ये है कोलकाता की बस। सुबह का टाइम है ना, इसलिए बस थोड़ा खाली है। यही आप 11-12 बजे के बाद देखोगे ना, यहाँ पे 10-11 बजे से तो बहुत भीड़ मिलेगी बस में। काली घाट से दर्शन करके निकल रहे, दर्शन हो गया। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियो यही यहाँ से एग्जिट गेट है। ये जो आप देख रहे हैं यही काली घाट है। ओ
कुंड माँ का पवित्र कुंड। ये जो आप देख रहे हैं माँ का पवित्र कुंड है। ये काली कुंड का जगह है, यहाँ पर मैं माँ का उंगली गिरा था बहने पैर, किसी को काली कुंड बोला जाता है। इधर में मोरंसी मोरंसी पूजा होता है, आदमी लोग भी स्नान करते हैं। अच्छा, समझ गए, कलकत्ता काली यही है। कलकत्ता काली 51 पीठ का जो टुकड़ा हुआ था यही है। अच्छा, शक्ति पीठ यही है। ठीक है, काली कुंड है, उन्हीं का कुंड है ना ये। ये शंकर जी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कुंड है। ये काली घाट का मेन मंदिर माँ काली का। कहा जाता शक्ति पीठ है ये, माँ का उंगली यहाँ पे काली उंगली कट के गिरा था, तो वही यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया। यहाँ का बहुत बड़ा मान्यता है, अगर आप कलकत्ता आते हैं ना तो आपको काली घाट घूमना तो जरूर बनता है। यहाँ का काली घाट, अब चल रहे हैं हम लोग साइंस सिटी।